बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको आलू से रिलेटेड कुछ अहम टिप्स बताऊंगी, क्योंकि हमारे घर में चिप्स बनती है और आलू ही हर सब्ज़ी में डलता है। सो इसको हम कैसे जो है ना वो अच्छे से अपना टाइम सेव करके वो बना सकते हैं जल्दी से, तो आइए आपको वीडियो जो है ना पूरी देखनी है। आपने प्लीज़ लाइक करना है और शेयर भी करना है अगर आपको पसंद आती है। वेलकम टू माई चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम पहले टिप नंबर वन की तरफ, और वो है चिप्स से रिलेटेड। जैसे हम चिप्स बना रहे होते हैं, सो आप ये मेरी एक टिप जो है ना वो यूज़ करेंगे तो आपका जो है ना वो गैस की काफ़ी बचत हो जाएगी और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। आप जल्दी से जो है ना वो चिप्स बना सकते हैं। आपने क्या करना है, जब चिप्स ऑयल में डालना है तो गर्म ऑयल में डालना है, और कुछ देर बाद 2-3 मिनट के बाद आपने इसको ढक के रख देना है हल्की आँच पर। फिर आपने जो है ना फिर 2-3 मिनट के लिए इस तरह रख देना है ढक के। फिर आपने इसको हटा देना है और जो पानी आपने इसमें नहीं गिराना वो ढक्कन आपने साइड पर सिंक में गिरा दें, और फिर आप ना इसको तेज़ आंच पे फुल पकते रहने दें। इसको हिलाना नहीं, अगर हिलाएगा तो ये चम्मच जो है वो टूट जाएगा। फिर आपने इसको तेज़ आंच पे पकते रहने देना है, और फिर जब ये लाइट कलर का हो तब तो आपने इसको हिलाना है, और ताकि अच्छी तरह से हर तरफ से ये साइड से पक जाए। और ये इस तरह जल्दी गल भी जाता है और जल्दी पक भी जाती है और करारी भी बनती है। आप ये टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और आप जो है ना वो मुझे दुआएँ देंगे कि जल्दी हमारी जो है ना वो बन गई है। और ये देखें क्रिस्पी भी थी, और फिर मैंने इसको अंदर से देखी, ये देखें नरम भी थी। ठीक है, आप इसको चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, डार्क ब्राउन करना है वो, और अगर ये ही है आप तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम टिप नंबर टू की तरफ, और वो है भी आलू से रिलेटेड है। वो क्या है कि आलू तो हर घर में यूज़ होते हैं, हर सब्ज़ी में तकरीबन ये डलते हैं, और इसको छीलना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी बेटा, एक मिनट। तो इसको छीलना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने क्या करना है कि हम वैसे तो अमूमन जो है ना वो कटर से काटते हैं आलू वाले कटर से, तो लेकिन आजकल जो न्यू आलू है ना इनके छिलका बहुत पुराना मतलब कि पतला भी होता है, और काफ़ी जगह से ना ये देखें इस तरह जो है ना वो साफ़ आलू है तो हो जाता है, लेकिन जिस तरह ये छिलके हैं ना इसके ये ना इसमें कटर में अड़ जाते हैं, तो वो सही तरह से कर नहीं पाता, तो हमें बहुत देर लगता है। तो वैसे तो छिलका वैसे उतारना भी नहीं चाहिए, आप इसको ऐसे भी पका सकते हैं, लेकिन ये ना अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि प्रेजेंटेबल भी नहीं है और वैसे भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग जो है ना वो इसको उतार के करते हैं। तो इसको उतारने का आज मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, और वो क्या है ये देखें, ये छिलके फंस गए, और इसका क्या तरीका है, आप इसको साइड पे कर दें कटर को। आपके घर में ये मौजूद होती है, आप इसी को ही यूज़ करके आलू को छील सकते हैं, और वो भी मिनटों में। इससे आप इसको आलू को छीलें, ये देखें बिल्कुल आपका जो है ना वो आसानी से उतर जाता है, और जो है ना आपको इजीली हो जाता है। थोड़ा सा आपको रगड़ना पड़ता है और आपको जो है ना वो आसानी से ये आपका ये देखें सारा आलू जो है ना वो साफ हो गया है, और आप इसको पका लें इजीली। इस तरह आप जल्दी से जो है ना वो हो जाएंगे और आपका जो है ना वो टाइम भी सेव हो गया। अब चलते हैं टिप नंबर थ्री की तरफ, और वो भी ही इसी आलू से रिलेटेड है। आपके घर में ये जो है ना चम्मच मौजूद होता है, तो जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, वैसे तो मांझने वाला हर घर में होता ही है, तो पीलर जिसके घर में नहीं है तो वो चम्मच के साथ भी जो है ना वो इसको इजीली कर सकता है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में आपने ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मानीला दुआ में याद रखिएगा।